मैं ये चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलोचिस्तान में था, उथल और बेला के इलाके में, आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखैर हजरात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के मसाइल महदूद हैं। आप लोग सामने आएँ, जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल करना चाहते हैं या थ्रू मटेरियल करना चाहते हैं, आप आएँ और इन लोगों की मदद करें ताकि इन लोगों को हम रिहेबिलिटेट कर सकें। रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब रिहेबिलिटेशन का मामला है और वो बहुत साल लेगा। इसके लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। दोस्त ममालिक हैं, उनसे भी हमारी हुकूमत दरख्वास्त की है और मुझे बड़ी उम्मीद है, फ्रेंडली कंट्रीज विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प पाकिस्तान इन दिस आवर ऑफ नीड। एंड आई ऑल्सो अपील ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, टू आर एक्सपैट्स एंड आर फ्रेंड्स अब्रॉड टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड and help these people who are in very very difficult situation. I am sure our expats as usual will not disappoint their brothers back home in Pakistan.